नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द अदर टावर। सो देखो, बोला है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। सो देखो, देखो ए ए बी है, ठीक है, एंड इट्स डिनोट्स द फर्स्ट टावर एंड इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। एंड एक और टावर है, ठीक है, ये रहा वो, ओके, एंड बोला है कि इसके फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ दिस फर्स्ट टावर ये 60 गिवन है, 60 डिग्री। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड टावर एंड ये गिवन है 60 डिग्री। एंड ये गिवन है 60 डिग्री। फिर बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर टू द टॉप ऑफ सेकेंड टावर ये गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये गिवन है 30 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दिस, ठीक है, एंड इसको हम मान लेंगे एक्स एंड हाइट ऑफ दिस सेकेंड टावर इसको हम मान लेंगे एच। ओके, सो हमें एक्स और एच निकालना है एंड इसको मान लेंगे सी डी। ओके, सो देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, दिस ट्रायंगल ए बी एंड डी, सो इसमें एंगल जो डी है मींस ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। सो अगर हम टेन 60 डिग्री निकालें, सो टेन 60 डिग्री होगा ए बी अपॉन बी डी। नाउ टेन 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, एंड ए बी है 30 मीटर, ओके, एंड बी डी है एक्स, ठीक है, ये है एक्स। सो यहां से हम अगर एक्स निकालें तो एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट एक्स इक्वल टू 30/√3, ठीक है, मीटर। एंड इसको रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो ये आ जाएगा 30√3/3, सो 3 से 30 डिवाइड किया सो ये आ जाएगा 10। ओके, सो वी गेट एक्स इक्वल टू 10√3 मीटर। नाउ अब हमें निकालना है द हाइट ऑफ अनदर टावर मीन्स सेकेंड टावर, ठीक है। सो देखो, इन ट्रायंगल बी डी सी, ये जो ट्रायंगल है बी डी सी, ठीक है, सो इसमें अगर हम निकालें 10/30 डिग्री, सो ये होगा सी डी अपॉन बी डी, ठीक है, सो ये होगा सी डी अपॉन बी डी। नाउ सी डी है एच, ठीक है, सो याद आएगा एच अपॉन बी डी एंड बी डी है एक्स, ठीक है, याद आएगा एक्स। सो अब देखो, 10/30 डिग्री होता है 1/√3, ओके, एंड ये एच अपॉन एंड एक्स इक्वल टू है 10√3, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे सो याद आएगा 10√3। तो ये देखो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट एच इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द हाइट ऑफ सेकेंड टावर। सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 31।